सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बजे हैं शाम के 5 और मैंने खाना सब कुछ बना दिया है। क्यों? अब आके सिर्फ रोटी बनानी है और मिक्स दाल मैंने बना दी है और सारे काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, इसलिए मैंने अभी ही बना दिया है, जिससे कि आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रोटी ही बाकी रहे। इसलिए अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं अब रेडी होने के लिए अंदर ही जा रही हूँ। और वेरी गुड, हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए पार्क में। इसे पार्क में जाना था इसलिए इसकी ना नौटंकी स्टार्ट ही रहती है पूरा दिन। मतलब जितने देर ये सोती है ना, सिर्फ उतनी ही देर हमें शांति मिलती है, फिर उसका चालू ही हो जाता है सब कुछ। इसकी नौटंकी ना ऐसे ही चलती रहती है। और वहाँ पर ना वो बहुत ही बड़ा पार्क है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हिरवा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट हम लोग अभी तक वहाँ पर एक ही बार गए हैं, इसलिए हिरवा को ना याद नहीं है कि वो क्या है, कहाँ पर है। बट वहाँ पर याद है, वो बोले कि मुझे याद है। देखते हैं वहाँ पर जाकर वो पहचान पाती है यानी कि हम लोग यहाँ पर आए थे या नहीं। हिरवा अपने तो मोटू फाउंटेन हो या अच्छा भाई नीचे पलड़ता था, ये बड़ा पार्क मची है, बहुत ही बड़ा फाउंटेन वहाँ पर ना, बहुत ही बड़ा फाउंटेन है। बहुत ही अच्छी वाली जगह है वहाँ पर। और मैं ना एक बार गई थी, बट तब ना मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं गई थी। और अब मैं वापस जा रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है वो। और हम रेडी होने के बाद आपसे वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वेल डन गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं तो हम लोग निकलते हैं और वहाँ पर जाकर हम आपसे वापस से मिलते हैं। चलते हैं। लोग पहुंच चुके हैं गार्डन में और हिरवा क्या भागम भाग मतलब चालू हो चुका है यहाँ से वहां जाना। हाँ बिट्टू, ये पर ना इस तरीके से क्लासेस भी हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पर ना फाउंटेन था बट अभी बंद कर रखा है उन लोगों ने। और वहाँ ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा वाला गार्डन है सच में। और यहाँ पर ना घूमने का बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पर ना वॉकिंग एरिया भी है उस तरफ पूरा, मतलब गोल घूम कर ही वहाँ पर मतलब वॉकिंग वाला एरिया है। बहुत ही मज़ा आता है। और ये रहा मेरे पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना बहुत ही बड़ा फाउंटेन है यहाँ पर, अभी बंद कर रखा है बट वो जब समर में ना वो लोग चालू करते हैं, जब चालू होगा ना तब हम वापस से यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग भीग जाते हैं, मतलब इतना बड़ा फाउंटेन है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी ना हिरवा वहाँ पर भागम भाग कर रही है, उसके सार्थक ना उसके पीछे लगे हुए हैं। दिखाती हूँ आगे भी आप लोगों को कि वहाँ पर क्या है। मैं फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम मैं लोगों को बीच में बोल रही हूँ, पता नहीं मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी वो भी मैं। उस तरफ ना मंदिर भी है वहाँ पर,
और दिखाती हूँ, देखो वो ना पूरा वॉकिंग एरिया है, देखो वो लोग वहाँ पर ना चल रहे हैं, वहाँ पर वो पूरा वॉकिंग वाला मतलब राउंड शेप में ना वो पूरा वॉकिंग का एरिया बना रखा है वहाँ पर उन लोगों ने, यहाँ पर ही चल रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर बैठने की भी बहुत ही अच्छी जगह है, पर यहाँ पर ना सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। और यहाँ पर बैठने का भी बहुत ही अच्छा है, बट समय में ना यहाँ पर जगह ही नहीं होती बैठने की, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। सो बस अब कुछ ही दिनों के बाद ना वो लोग यहाँ पर फाउंटेन स्टार्ट कर देंगे, हम वापस से आएंगे आपको दिखाऊंगी, शायद तब ना गिरती भी बहुत ही ज़्यादा होगी। सो देखते हैं, हीरवा भी यहाँ पर ही आ चुकी है। वापस आगे ये जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा रन हो चुका है। सो हम लास्ट तक जाकर आए हैं और वापस हम आगे गेट तक जाएंगे, मतलब इतना चलेंगे ना हम हर रोज़, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारी बॉडी के लिए। सो हीरवा को मिल चुके हैं उसके फेवरेट झूले। वो दौड़ रही है वहाँ पर, भाग रही है वो। दूर रह, उसका झूला उसे मिल चुका है। हीरवा फिर वेट कर, मैं आऊ छू।
पीछे आप देख रहे हो ये यहाँ पर ना वॉकिंग का एरिया जो बोलते हैं वो है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग चलने आते हैं हर रोज़। हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, वापस जा रहे हैं अब। बहुत ही बड़ा है ये वाला गार्डन। सो फिर से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं आगे मेन गेट पर, और हम लोग निकलते हैं अब घर जाकर से।